होगा, घर में जो बेटी होगी तभी तो दामाद होगा, बेटी के बगैर तो दामाद हो ही नहीं सकती है। इसलिए लेकिन अभी शंकर जी से हर गुण से श्रेष्ठ है कौन? हमारे श्री कृष्ण है कि हर चीज से। अब ऐसे बोले ऐसे कि दामाद चाहिए मेरे दामाद का जो नौकर शंकर जी है। इसलिए भगवान शंकर जी को वैष्णव नाम देता शंभु, ये भगवान की भक्त है। अभी बेटी राधा रानी अगर हो तब तक काम कर सकता है, लेकिन राधा रानी ये नित्य कुमारी किसकी है? यदि ये नित्य कुमारी श्री कृतिका कुमारी, अभी कृतिका सुंदर गर्भवती थी, उन्होंने जोग माया को आदेश दे करके उन्होंने क्या की, जोग माया को आदेश दे करके कृतिका कुमारी के गर्भ से राधा रानी को निकाल करके ये विंध्याचल पर्वती थी पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दिया। उपयुक्त समय होने पर विंध्याचल का पत्नी की गर्भ से दो संतान हुई, एक में तो हुई राधा रानी और एक हुई चंद्रावती बहनी है। इसलिए वृषभानंद महाराज की बेटी राधा रानी और उनके एक और भी भाई है, उनकी जो बेटी ये कौन है? ये चंद्रावती, इसलिए वो बहनी लगती है, है? और कृष्ण की प्रिया में जो सर्वश्रेष्ठ दो प्रिया है, एक राधा रानी और एक श्री चंद्रावली। अभी उनकी होने पर लेकिन उधर क्या हुआ देखो, जिस समय श्री वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को लेकर के राधा रानी गोकुल में गए, वहां पर एक बेटी जन्म हुई थी, उन्होंने बेटे को रखे और वहां से बेटी को लेकर के आगे मथुरा। जब कंसो को पता चला मेरे काल ने जन्म लिया, कंसो भागते भागते आया, देखा बेटा की बेटी। देवकी ने बड़ी प्रार्थना की, बोले भैया तुम मेरे छह छह बच्चों को मार डाले, कम से कम एक बेटी तो मेरे को काम दे दे, इसलिए बेटी को तो मारना नहीं। लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला, बोले आकाश पानी उल्टी देवकी की अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा, वो बेटा क्यों नहीं हो, बेटी नहीं क्यों नहीं हो, मैं तो मार करके जरूर छोड़ूंगा। जब उसने मारने के लिए गया, प्यार पकड़ कर फटकने गया, इतने में क्या हुआ, उसने अपना चरण से ठोकर मारी कंस को, कंस वहीं पर लुढ़क पड़ा और उसने आकाश में जाकर के अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोला, बोले रे मुड़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। वो अकेले जन्म नहीं लिया, उसने अपना शक्ति को साथ में जन्म लिया और उसका जो शक्ति भी कहीं जन्म हुई, वो जो शक्ति है ना मेरे से भी ज्यादा सुंदरी है, मेरे से भी ज्यादा गुणगान है। अगर उसको साथ में किसकी शादी होगी, जिसको साथ में शादी होगी, जगत में वो अजर अमर बन जाएगा और त्रिभुवन का पूजा होगा और जगत में सर्वश्रेष्ठ बलवान बनेगा, जगत में उसको कोई नहीं मार सकते। क्यों? उनका श्याम सुंदर, उनकी प्रियतम श्याम सुंदर कृष्ण है। इतना बोल करके वो अंदर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो जाने पर उधर क्या हुआ, कंस ने अपना जितने सब उतना आकाश और बकाश उनको बल करके बुलाया, बोले ऐसे ऐसे बात है, उतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही उतना है, उतना मतलब क्या, पूत ना, पूत मतलब पवित्र नाम, मतलब नहीं पूत माने बेटा, पुत्र नाम मतलब नहीं, जिसका बेटा नहीं, मेरा नाम ही उतना है, इसलिए ये उतना रहते हुए वो जो हाँ उसको जो ये है ना स्क्रीन को थोड़ा साइड कर दो, जो स्क्रीन है थोड़ा साइड कर, इधर नहीं उधर, पूरा पूरा साइड कर दो, उसको पूरा साइड कर दो, ठीक ठीक बैठ बैठ। प्लस राधा रानी, इसलिए पुतना मतलब पूत माने पुत्र, नाम मतलब नहीं, जिसकी पुत्र नहीं, बोले मेरा नाम ही पुतना है, इसलिए पुतना रहते पूत का क्या काम है। भैया कोई चिंता मत कर, तेरे अगर कोई काल जन्म लिया होगा तो एक महीना बाद तेरे में जन्म लगा, हाँ कोई चिंता क्यों करते हो, सब पर मैं मार डाल, मैं अपना रूप बदला सकती हूँ। अभी जा करके कहीं भी किसी घर में बच्चा जन्म अगर लेता है ना, कोई भी चिंता नहीं रहता, हल्ला हो गया किसकी घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता, क्योंकि कौन आ करके कैसे मार करके चल जाते इसको पता नहीं चलता, उतना घर घर में जाकर के बच्चों को मार देंगे,
अभी विद्या जल भी बड़े चिंता में पड़ गया, मतलब मेरे भी तो लाली भाई हो ना हो यही मन ले जाए। सचमुच से पुतना तब अंदर में आई और वो दोनों बच्चों को पकड़ कर आकाश में उड़ चली। क्यों? कारण क्या? कंस ने कहा था अगर कोई बेटा जन्म होगा तो मारना, बेटी होगा तो मारना नहीं, क्योंकि मेरी देवी ने बताया वो बेटी कौन कहते मेरे से भी ज्यादा सुंदर रूपवती गुणवती होगा, जो शादी होगा वो अजर अमर बनेगा, इसलिए कोई बेटी होगा तो ले आना, मैं शादी करूंगा उसके साथ में। इसलिए पुतना ये दोनों बेटी को लेकर के उड़ चले। जब विंध्याचल को पता चला मैं दोनों बेटी भी अपहरण हो गई, उन्होंने अपना पुरोहित को बुलाया, ऐसे उच्चारण मंत्र प्रयोग कर जैसे पुतना मर जाए। जब उसने मंत्र प्रयोग किया इतने में तो पुतना छटपट 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 करने लगी। करते हुए राधा और चंद्रावली दो गांव में दोनों को छोड़कर कौन चली गई, यमुना को छोड़ करके चली गई। इतने में वृषभानंद महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करने के लिए गए, देखा सतदल कपल पुष्प को ऊपर में किलकार मारते हुए बड़ी सुंदरी प्यारी एक बालिका पानी में तैरते हुए जा रही है। और वृषभानंद महाराज कुछ करे वहां से श्री राधा रानी को उठा दिया, बोले श्री राधा रानी की जय। और उन्हें उठा करके लाए और अपना कृति का सौंदर्य किया, बोले देखो भगवान की दया है, हम सोच रहे थे हमारे घर में एक बेटा सीधा हो, घर में एक बेटी हो, क्योंकि घर में जब कोई बेटी हो ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, कौन आए, लेकिन घर में बेटा है तो कोई नहीं कहता नारायण आया, कोई बोलता है नहीं बोलता है। बेटी कन्या दान की बड़ा महत्व है, इसलिए कन्या के जो दान की जाती है ना वो लक्ष्मी स्वरूप मान करके बेटी को दान देती है, इसलिए घर में बेटी हो ना लक्ष्मी आए। सचमुच जिसके घर में बेटी होते हैं ज्यादा पैसा भी उसको घर में आता है, इसलिए बोले देखो भगवान के आशीर्वाद और घर में ठाकुर की, हम सोच रहे थे बेटी, ठाकुर ने हमें बेटी दे दिया। और कृतिका सुंदरी बड़ी जत्न को साथ में राधा रानी को पाल रही। इतने में नारद जी ने देखा कृष्ण तो कभी अकेले नहीं आए, जब आएंगे वो अपना शक्ति श्री राधा रानी को साथ में आएंगे है। इतने में नारद जी गली गलियों में वृंदावन में जा जा कर घूम रहे हैं, कहाँ राधा रानी जन्म ली, लेकिन कहीं कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता ये सब सखियां तो मिली लेकिन राधा रानी कहीं नहीं मिली। ऐसे भ्रमण करते करते जब रावल में आए, वृषभानंद महाराज को पूछे आपका घर में कोई संतान भयो है, बोले हाँ, तो उन्होंने सीताराम भैया को दिखाए, नारद तो पहचान गए ये तो कृष्ण का प्रिय सखा है, बोले घर में कोई बेटी हुई कि नहीं, वो चुप हो गए, क्यों यमुना से मिली है लाली, बोले बताओ ना बेटी हुई, बोले हाँ बेटी हुई, बोले लाओ जो लाए ना, तो नारद तो देख पहचान गए हुई यही इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो श्री श्याम सुंदर की श्री कृष्ण चंद्र की पराशक्ति धारिणी स्वरूप शक्ति उनकी प्राण प्रिया श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। अभी नारद जी उनको स्तुति करना चाहते हैं लेकिन वृषभानंद महाराज क्या सोचते हैं, ये तो मेरे लाडली लाली है, हैं उनको पता नहीं ये सर्वेश्वरी है सबकी का आराध्या यही है, उनको पता नहीं, इसलिए उन्होंने बहाना बनाए, कुछ फूल ले आओ तुम्हारी बच्ची को मैं आशीर्वाद दूंगा। जब वो फूल लेने के लिए गए ना, इतने में श्री राधा रानी सुंदर किशोरी बन गई, वहां पर अष्ट सखियां प्रकट हो गई और अष्ट सखियां प्रकट होकर के इतने में ललिता कहती हैं श्री नारद जी को क्या देख रहे हो बाबा, जल्दी जल्दी राधा रानी को स्तुति करो, नहीं राधा रानी अंदर ध्यान हो जाएगी। फिर श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करती है, बोले मुनिन्द्र बिंद मंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त मंगले निकुंज गोपिनाशिनी ब्रजेन्द्र भानु Bye.
सुंदर स्तुति की। श्री नारद जी बोले ए सामने वो जो बैलून है दोबारा कौन निकाल देंगे साइड कर दो। इसलिए श्री राधा रानी बोले देखो अभी है अभी मैं तुमको पुनः गिरिराज तले में पुनः तुम्हें अशोक वन में तुम्हें दर्शन दूंगी, इसलिए वहीं पर इंतजार करना। इसलिए नारद जी वहीं पर इंतजार करते रहे। अभी विश्वहन महाराज उन्होंने श्री नंद बाबा को निमंत्रण दिए, मेरे घर में लाली भर हुए। तब श्री नंद बाबा ने अपना बेटा कृष्ण को मैया जसोदा कृष्ण को लेकर के आए, लेकिन कृष्ण राधा रानी से 15 दिन कृष्णा बड़े हैं। राधा रानी जब से जन्म हुई तब से वो आंख बंद करके रखी। बोले क्यों? बोले सर्वप्रथम मैं जब आंख खोलूंगी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को दर्शन करके दुनिया में किसको दर्शन करूंगी। इसलिए वृषभानी महाराज राधा रानी को जहाँ लेटा करके रखी थी, नंद बाबा लाए अपना बेटा कृष्ण को भी एक पलंग में लेकर। जब लेटा दी इतने में कृष्णा अपना हाथ को श्री राधा रानी को ऊपर रखते हैं। राधा रानी स्पर्श पाते ही कृष्ण की समझ गए प्रियतम आ गए। इतने में से राधा रानी आंख खोल देती, आंख खोल कर किसको देखती है? श्री कृष्ण को दर्शन करती है। वृषभानी महाराज तो सुखी थे, क्यों? घर में बेटी हुई, लेकिन जन्म से पता नहीं ये आंख बंद करके क्या सोच रही थी, यही सोच रहे थे। लेकिन जब देखा राधा रानी आंख खोलती ना, वृषभानी महाराज इतने प्रसन्न हुए, जितने जोर शोर से उत्सव कर रहे थे और भी बड़े धूम धड़का से उन्होंने राधा रानी की जन्म महोत्सव की। श्री राधा रानी की जन्म महा महोत्सव की जय। जय श्री राम। राधा रानी की अभिषेक होगी, आप लोग कोई खड़ा नहीं होना, आप लोग सब बैठ बैठ करके आप लोग अभिषेक को दर्शन करो, ठीक है जी। मैं यहाँ पर कितना कर देता हूँ, ठीक है तुम लोग अभिषेक करो, सामने कोई खड़े नहीं होना, जैसे वो दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। देखो एक भजन गुरु जी का बड़ा प्रिय भजन था। जब गुरुदेव राधा रानी जन्म महोत्सव मनाया करते थे वो मंगल गीत है, गीत गोविंद का। ये गुरु जी की बड़े प्रिय भजन है। आप ये भजन बड़ा प्रिय भजन है। जहाँ पर ये भजन होना वो कृष्णा रह ही नहीं सकते हैं, कृष्ण को दौड़ दौड़ करके वहाँ जाना ही पड़ता है, हैं? क्योंकि ये भजन में श्री राधा रानी की महिमा ये भजन में लिखा हुआ। जिसे कहते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार, जहाँ राधा जी के नाम हो बिहार जी वहाँ भागते भागते आते हैं। अभी हमारे श्री अनिरुद्ध प्रभु की भजन गाएंगे, आप लोग सब पीछे पीछे भजन को आप करिए ना।